हाय गाइस, बिहार पुलिस कांस्टेबल स्टूडेंट, आप लोग के लिए एक बड़ा खुशखबरी है। आज मैं बता दूं कि एक गैंगस्टर पकड़े गए हैं जो कि सेटिंग कर रहे थे। इनके पास से 28 प्रमाण पत्र जो है बरामद हुआ है। 28 अभ्यर्थियों का ये प्रमाण पत्र यहाँ पर पकड़ा गया है, पुलिस को द्वारा पकड़ा गया। और ये सेटिंग कहते थे और लगातार ये सेटिंग चल रहा था बिहार पुलिस कांस्टेबल पे। जैसा कि मैं वीडियो बना रहा था, मैं बोल भी रहा था कि सेटिंग चल रहे हैं, आखिरकार ये आज पकड़े गए और प्रूफ भी हो गया। ये दैनिक भास्कर में आया है और पकड़े गए आज बिहार में। तो इसके बारे में मैं पहले कहानी बताता हूँ कि क्या मामला था। पहले दो गैंगस्टर थे इसमें, दोनों मिलकर काम कर रहे थे। एक अतुल भाई जो थे और एक जो अंशु हैं, सो दोनों में पैसा को लेकर विवाद हुआ, दोनों में मैटर हुए और विवाद के कारण दोनों अलग अलग हो गए। और ये अपना अलग सेटिंग वाले खोल दिए, ये अपना अलग सेटिंग खोल दिए और दोनों घूस लेकर अपना अपना सेटिंग चला रहे थे। और तो जो पिछले बार हुआ था 11,000 पदों के लिए, पिछले बार जो हुआ था 11,000 कुछ पदों के लिए हुआ था, तो इसमें अंशु भाई ने इसको पकड़वा दिया। दुश्मनी तो चलता है गैंगस्टर में भाई, पता आप लोग को होगा। तो अतुल को पकड़वा दिया अंशु ने, और अंशु जो अतुल था इस बार बदला ले लिया अंशु से। तो अंशु इस बार गिरफ्तार हो गए हैं, आज ही गिरफ्तार हुए हैं। पैसा लेकर सेटिंग चल रहा था इनका। तो जहां तक मैं बता रहा हूं, अब रिजल्ट जारी होंगे, अब पूरा मामला सामने आएगा। जो भी मामला आता है, क्या क्या मामला आ रहे हैं, कितने सेटिंग करने वाले थे, कितना सेट हो गया, कितना सीट अभी तक फिक्स कर दिया गया है सेटिंग द्वारा, कितना घूस लिए हैं, अभी सब का जो जो स्टूडेंट लोग लिया गया था, जो स्टूडेंट लोग सेटिंग करवा रहे थे, इन पे भी कार्रवाई होगा। क्योंकि जो भी 28 अभ्यर्थियों का बरामद हुआ प्रमाण पत्र, इन पे तो कार्रवाई किया ही जाएगा और इनका तो रिजेक्ट किया ही जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हो, अब रिजल्ट जारी होंगे, अब आएंगे आप लोग का रिजल्ट और सब सेटर लोग पकड़ाने वाले हैं। और जो भी बच्चे लोग घूस दे रहे थे, घूस वाला काम कर रहे थे, इनका भी नाम सामने आने वाला है। तो भाई, जैसा कि मैं बोल रहा था कि मैं हमेशा इस पे करता रहूंगा और चिल्लाता रहूंगा, आखिरकार एक दिन आवाज देखो, आज एक पकड़ा गया है। अभी कितना पकड़ा जाएगा इसका कोई ज्यादा पता नहीं है। देखो, मैं इसके खिलाफ आवाज तो उठा रहा हूं, मेरे खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है कि आप आवाज उठाते हैं, गैंगस्टर लोग एक्शन लेते हैं। तो देखता हूं, ये सबको एक्शन लेने दो, मेरे खिलाफ भी आवाज उठाएंगे सब। अब रिजल्ट आएंगे, अब आप लोग का रिजल्ट का अपडेट आएगा। अब इस पर कार्रवाई किया जा रहा है, पूरा बवाल हो चुका है, अब इस पर मैटर पढ़ेंगे आगे, अब आप लोग का काम क्लियर किया जाएगा। तो जो भी अपडेट आता है, जो क्या आता है, आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा ये अपडेट, तो प्लीज लाइक करना। और मेरे चैनल पे नया होगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरह का अपडेट आप लोग को मिलते रहेगा। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने सीट फिक्स हो गए, फिजिकल का क्या होगा, कट ऑफ क्या रहेगा, इसी तरह का आपको यहाँ पर अपडेट मिलता रहेगा। तो प्लीज जो भी नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।